I love you too. मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरे साथ बैठे हुए चीमा साहब, फारूक साहब, राजा साहब, हसन साहब, मेरे कैंडिडेट, मेरी बेटियों की तरह बहन, सदर साहब बात कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करें, पीएसएफ आप मेहरबानी करें जी, उनकी बात सुने, सदर साहब बात कर रहे हैं, आप बैठ जाए बेटा, आई लव यू टू। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी बहनों, मैंने जब भी मुश्किल वक्त में मुश्किल वक्त गुजारा है, आई लव यू टू। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी बहनों, मैंने जब भी मुश्किल वक्त में मुश्किल वक्त गुजारा है तो पीपल्स पार्टी के वर्करों की, आपके पीआईए के जोर से, पीपल्स पार्टी की हिम्मत पे मैंने जेलें काटी हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी कायदे आज़म चौक है, जो कश्मीर का आखिरी चौक बनता है, जहाँ कायदे आज़म का झंडा लगा हुआ है, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, वहाँ से लग के कराची के जो रिमोट आइलैंड है वहाँ भी पीपल्स पार्टी का झंडा है। पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भुट्टो साहब नहीं बसते हो लोगों के दिलों में, और अल्हम्दुलिल्लाह बीबी की तो बात ही कुछ और है, उसको तो अब भी दुनिया पूछती है। मैंने दोस्तों से ये बात की थी कि पंजाब में इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है, हमारी अपनी कमजोरियां हमारे सामने आती हैं। अब कल वाली इलेक्शन आपने ज़बरदस्त रिजल्ट दिया, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, मगर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरा एस्टिमेशन 50,000 थी और मैं 50,000 वोट ले सकता था अगर हम वोटर टर्नआउट बढ़ा सकते। चूँकि हमारे पास ग्राउंड पे पार्टी अभी कंप्लीट नहीं थी, नए नए राय साहब आए, नए नए गिल साहब आए, तो गिल साहब कहते हैं कि बाल मुंडांदे सानू ओले पै गए। और बेटा पाकिस्तान जो है ना, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान आज बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की वजह से एक खतरे में है, दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, और हमने अहद किया हुआ है पाकिस्तान बचाने का, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे और कामयाब मुल्क आपको बनाएंगे। हम जा रहे थे उस वक्त कामयाबी की तरफ जब इनने आरओ इलेक्शन करा के और इलेक्शन हमसे धांधली करके जीती। अब भी मैंने कहता हूँ कि भाई आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियाँ साहब बनाते रहें बनाते रहें बनाते रहें, ये थोड़ी बड़ी थी, उससे थोड़ी बड़ी थी तो बीबी साहब अभी यहाँ से जीती थी, मगर ये अपने हिसाब साइज से गलियाँ मोहल्ले बरादरियाँ देख के ने कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हैं, और ये सिर्फ लाहौर का नहीं है, पूरे पंजाब में ने कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हैं। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम चेंज करेंगे, हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ हैं, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता हो उसको क्या मसला है।
मेरे पास भी वही और मैंने खास तौर पे बदर के बेटे का और मेरे मैंने मीर साहब को भी शुक्रिया अदा करना है। सबसे ज्यादा आपकी मेहनत में देखता रहा हूँ और दिल से आपने किए। कोई कहे कि मेरे कहने पे, कोई किसके कहने पे, बस ये पीपल्स पार्टी का असली शहदाई है, आशिक है, इसका काम ही जल जाना है। बेचारा हर दफा पीपल्स पार्टी की खातर हमारे साथ चलता रहता है। और बड़े दोस्त हैं, ऐसे ऐसे पार्ट पीपले हैं, ऐसे ऐसे यूथ के लड़के हैं हमारे, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं मिला नहीं, कभी देखा नहीं, और उनकी जाने अपने हथेली पे लेके वो लड़ते हैं। मेरी बहनें भी, मेरी बेटियां भी, वो भी इसी तरह लड़ती हैं जिस तरह आसफा लड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप दोस्तों को सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने कभी अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा था कि हम केपीके प्रोविंस का नाम चेंज करेंगे। मगर एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। यहाँ तो प्रोमिस सब करते हैं, डिलीवरी इनके पास कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह अब भी मेरे दिमाग में ऐसी सोचे हैं, ऐसी सोच है जो आपके मुल्क को एक बहुत ज़बरदस्त और कामयाब मुल्क बना सकता है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए कामयाब मुल्क बनेगा। और इंशाल्लाह आप दुआ करें, अल्लाह हमें मौका दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे, मेरे वर्करों को हिम्मत दे। आप लोग सिर्फ एक साथ बैठ जाओ, जिस तरह राय साहब ने कहा कि वर्ल्ड वाइज बना दो, मानी पलवा तू बह जा, वर्ल्ड वाइज मेरी पार्टी बना दें, बाकी मुझ पे छोड़ दें, मैं इनको खुद ही संभाल लूँगा, पूरे पाकिस्तान को संभाल लूँगा। आखिर में ये कहूँगा